नमस्कार छात्रों, कैसे हो? कक्षा 12 में पढ़ते हैं और 2024 में आपको एग्ज़ाम देना है या इसी साल कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना है? तो दोनों तरह के छात्रों के लिए यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर मैं वैसे ही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं। और मेरी आदत हमेशा से रही है कि भाई वैसे ही क्वेश्चन वीडियो के अंदर लाओ, चैनल पर लाओ, बच्चों के बीच में भेजो कि एग्ज़ामिनेशन के दृष्टिकोण से वो इम्पॉर्टेंट हो। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, और साथ में एक सूचना है। सूचना क्या है कि अगर आप इसी साल कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉल करो। कॉल करके आप सिर्फ 200 रुपये खर्च करके मुझसे 95 वीडियो ले लो। सिर्फ 10-10 मिनट की 95 वीडियो दूंगा, जिसे देख करके समझ करके आप आसानी से 50 से 70 नंबर तक ला सकते हो। झूठ नहीं बोलना है कि 80, 85, 90, 92 लाओगे। जितना हो सकता है मैं उतना ही बताऊंगा, और मेहनत करोगे हमारी 95 वीडियो 10-10 मिनट की है, चाहोगे ना तो 10 दिन में ख़त्म कर लोगे देख करके, ठीक है? और इतने नंबर आसानी से मिल जाएंगे। और जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये कोर्स नहीं है, उनके लिए वीडियो देखें, चैनल पे लगे रहें। उनके लिए अलग कोर्स है जो 500 रुपये में फर्स्ट सेकंड में दोनों कंप्लीट हम पढ़ा देंगे, ठीक है? तो ज़्यादा प्रचार हो गया भाई, किसी को गुस्सा भी आ रहा होगा। गुस्सा मत करो चेला, ये मेरी रोजी रोटी है। तुम पढ़कर कभी कुछ बनोगे ना तो सैलरी पर ही काम करोगे या कमीशन पर ही काम करोगे। तो मैं भी पढ़कर कुछ बना हूँ तो मैं भी वही कर रहा हूँ। तो तुम अपनी जगह सही, मैं अपनी जगह सही, दोनों लोग सही हैं तो किस बात का प्रॉब्लम है? शुरू करते हैं। कास टू एक्स माइनस कास टू अल्फा अपन कास एक्स माइनस कास अल्फा, कास टू एक्स माइनस कास टू अल्फा अपन कास एक्स माइनस कास अल्फा, इसका करना है समाकलन। मेरे से एक छात्र ने ये सवाल व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेज करके पूछा था, तो उस छात्र के कहने पर, वो बलिया का छात्र है, उसका नाम नहीं याद रहा लेकिन जिला याद है बलिया का, तो बलिया वाले भाई ज़रूर इसको देखना। देखो समाकलन करना है, सिंपल काम है, आई बराबर लिख देंगे। बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखेंगे, कंपार्टमेंट की कॉपी में कैसे लिखेंगे, ज़िंदगी की हर एक कॉपी में कैसे लिखेंगे, वैसे मैं बता रहा हूँ। आई बराबर मान लिया, बराबर के ठीक नीचे बराबर, समाकलन के चिन्ह के नीचे समाकलन चिन्ह, इसका और इसका फार्मूला लगा दो। कास टू एक्स का होता है 2 cos² x - 1, ठीक है? और माइनस इसका भी वही हल होगा 2 cos² α - 1। नीचे जैसे है वैसे रहने दो भाई, ठीक है? अच्छा, फिर बराबर के नीचे बराबर, समाकलन के नीचे समाकलन चिन्ह, ये ब्रैकेट नंगा कर दो खोल के, ठीक है? 2 cos² x - 1, और ये भी ब्रैकेट खोल के नंगा करोगे तो बाहर माइनस चिन्ह है, तो अंदर वाले सारे चिन्ह शर्मा जाएंगे, बदल जाएंगे आपस में, ठीक है? ठीक है, तो नंगा करो भाई, तो अंदर के चिन्ह क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, बदल के जाएंगे, ठीक है? तो माने 2 cos² α, और ये माइनस माइनस जाएगा +1, बटा के नीचे कास एक्स माइनस कास अल्फा और डी एक्स, ठीक है? अब क्या होगा भाई, -1 + 1 कट जाएगा धनाधन, बचेगा क्या 2 cos² x - 2 cos² α, ठीक है? 2 cos² x - 2 cos² α बटे में कास एक्स माइनस कास अल्फा इंटू डी एक्स। भाई देखो, बोर्ड की कॉपी में लिखना कैसे है मैं उस तरीके से बता रहा हूँ, सिस्टमेटिक ढंग से बता रहा हूँ, ऐसा कोई टीचर आपको गाइड नहीं करता है, मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 3 बार बोर्ड की कॉपी जांच करने गया हूँ, तो मुझे 0 लेवल से लेकर टॉप लेवल तक की जानकारी है, तो वो मैं आपको शेयर करता हूँ। इधर आइए, यहाँ से दो कॉमन ले लो भाई, ठीक है? 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा cos² x - cos² α। तो a² - b² के हिसाब से एक ब्रैकेट में a+b, दूसरा ब्रैकेट में a-b, एक ब्रैकेट में cos x + cos α, दूसरे में
कास एक्स माइनस कास अल्फा, और नीचे वही चीज़ लिख दो जो तुम पहले से लिख रहे हो, कास एक्स माइनस कास अल्फा। ठीक है, कास एक्स माइनस कास अल्फा। ठीक है भाई, अब क्या होगा बाबू, यहाँ पर डी एक्स लिख दो। ठीक है, अब इससे इसको क्या करोगे, काट लो काट लो काट लो, कट गया। अब जो बच गया ना उसका समाकलन होगा। ठीक है भाई, कास एक्स प्लस कास अल्फा, इन्हीं लोगों का क्या होगा अब समाकलन। तो भाव कास एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है, क्या होता है, साइन एक्स होता है। और कास अल्फा का ये तो अचर पद है, और अचर पद में वन का गुणा हुआ रहता है, तो वन का समाकलन मैंने आपको बताया क्या होता है, एक्स, तो एक्स कास अल्फा प्लस सी। ठीक है, कास अल्फा मैंने छोड़ दिया, इसके अगल बगल कहीं पर वन है जो दिख नहीं रहा है, उसी वन का समाकलन एक्स मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही एकदम सिस्टमेटिक ढंग से जो आया है, ये आपका आंसर है। क्लियर, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल आपको बताता हूँ, बहुत मज़ा आया ये सवाल में। अगला सवाल देखिए बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार है, थोड़ा छोटा है लेकिन मोटा है भाई, मोटा। क्या देखो, साइन क्यूब एक्स का क्या करना, समाकलन। ठीक है भाई, आई के बराबर इसको मान लीजिए, साइन क्यूब एक्स का क्या करना है, समाकलन। तो प्रॉब्लम आपको नहीं है, प्रॉब्लम समझाने वाले को हो सकती है, अगर वो प्रॉब्लम में समझाएगा तो समझने वाले के पास प्रॉब्लम जाएगी, अगर वो फुल्ली कॉन्फिडेंस से समझाएगा तो समझने वाले के पास कॉन्फिडेंस जाएगा। तो भाई यहाँ से जो ट्रांसफ़र होगा वही तुम्हारे पास जाएगा, तो समस्याओं वाला मैं ट्रांसफ़र नहीं करता, मैं परफेक्ट चीज़ बताऊँगा, ध्यान से देखना। साइन क्यूब एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, है ना भैया, तीन घात है तो दो घात अलग एक घात अलग लिख ही सकते हो, क्या दिक्कत, तीन रुपया है आपके पास तो दो रुपया एक किनारे कर दो, एक रुपया एक किनारे कर दो, कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, वही बात है यहाँ पे। अब क्या है, साइन स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दो, वन माइनस कास स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, हो गया। अब साइन एक्स का इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर दो, साइन एक्स का वन में करोगे तो साइन एक्स, इसमें करोगे तो कास स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और ब्रैकेट बंद डी एक्स। हो गया भाई, यहाँ तक तो हर बंदा कर सकता था, आप भी कर लेंगे। अब क्या है, अब मैं बताऊँगा, आप समझिएगा ध्यान से। ठीक है, इस डी एक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये डी एक्स का इसके साथ, और समाकलन का चिन्ह आगे से इसके साथ, डी एक्स पीछे से इसके साथ, तो ऐसे बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, और ये बनेगा ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ कास स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब ये जो है ना, एक सवाल यहाँ, दो अलग अलग सवालों में चेंज हो गया। तो भैया इसका समाकलन तो पूरी दुनिया जानती, क्या होता है, माइनस में कास एक्स, क्या होता है, माइनस में कास एक्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समस्या है, अब इस समस्या का समाधान आपके पास मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, अब इस समस्या का आपको समाधान मैं दे रहा हूँ। कास एक्स बराबर मान लीजिए आप टी, कास एक्स बराबर मान लीजिए क्या चीज़ मानेंगे, टी मानेंगे, तो दोनों पक्षों का अवकलन कर लीजिए। ठीक है, दोनों पक्षों का क्या कर लीजिए, अवकलन, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, बस इतना ही याद रखना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, माइनस साइन एक्स डी एक्स, तीन चीज़ों की जगह पर क्या लिखना, डी टी माइनस साइन डी एक्स, माइनस साइन डी एक्स की जगह पर क्या लिखना है, डी टी लिखना है भाई, और कास एक्स की जगह पर क्या लिखना है, टी लिखना है। ठीक है, तो टी स्क्वायर डी टी, समझ गए।
अब ध्यान से देखो, माइनस में कॉस एक्स पहले से है, रहने दीजिए। माइनस में कॉस एक्स पहले से है, रहने दीजिए। टी स्क्वायर का समाकलन टी क्यूब अपान थ्री, टी स्क्वायर का समाकलन टी क्यूब अपान थ्री, तो ये हो जाएगा टी क्यूब अपान थ्री। लेकिन क्या माइनस सहित डी टी है मानना, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस टी क्यूब अपान थ्री, प्लस में सी, माइनस में कॉस एक्स प्लस एक बटे तीन किनारे, टी की जगह पर कॉस लिख दीजिए, कॉस क्यूब एक्स प्लस में सी। तो ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है, माइनस कॉस एक्स प्लस एक बटे तीन कॉस क्यूब एक्स प्लस सी, ठीक है बाबू। चलिए, बहुत अच्छा आंसर है ये, और आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। इंटर में पढ़ते हैं तो ज़रूर मेरी वीडियो देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू।